नमस्कार, आशीष त्रिपाठी नाम है हमारा और आप सभी का स्वागत है ग्राम बिशुनपुर जुनारदार पोस्ट वार्जुन जिला गाजीपुर 76 लोकसभा सीट यहाँ पे सातवें चरण का मतदान दिनांक 19 मई हो रहा है। यहाँ पे हम प्राथमिक विद्यालय पे उपस्थित हैं और यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ पे करीब 400 से 500 वोटर हैं, काफ़ी छोटा ये मतदान केंद्र है और यहाँ पे वोटरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन यही 400 से 500 वोटर किसी के हार जीत में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। गाजीपुर से वर्तमान सांसद माननीय मनोज सिन्हा जी, जो बीजेपी के उम्मीदवार इस बार भी हैं, मैदान में हैं, को टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे बसपा के कैंडिडेट श्रीमान अफजाल अंसारी जी। काफ़ी कड़ी टक्कर है इन दोनों में, महागठबंधन और बीजेपी में बहुत कांटे की टक्कर है। किसी का भी पलड़ा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे भारी है। यहाँ पे एग्जिट पोल की बात करें अगर, तो आज आखिरी चरण का मतदान है, चुनाव है ये, और इसके बाद मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एजेंसीज अपने एग्जिट पोल निकालेंगे। मैंने भी छोटा सा प्रयास किया कि एक एग्जिट पोल निकालता हूँ। मैं दो दिनों से अपने गांव में हूं और जो भी मैंने थोड़ा बहुत यहां पे पता करने का प्रयास किया, तो गांव के लोगों का मुद्दा बहुत सीमित है। उन्हें आतंकवाद से कुछ नहीं लेना देना, उन्हें मोदी के एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं लेना देना। हाँ, यहां पे लोग विकास की बात करते हैं, जब लोग देखते हैं कि हमारे गाँव में सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रहे हैं, बिजली के नए नए खंभे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सामने एक बिजली का खंभा भी दिख रहा होगा आपको, तो इसकी बात ये करते हैं। साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा कृषि है। गांव जैसा कि हमारा देश भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के जो किसान हैं, मेरे गांव के खासकर जो किसान हैं, उनके लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है जो छुट्टा जानवर हैं। लोगों ने यहाँ पे औद्योगिक कृषि करना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि जो भी यहाँ पे उगाते हैं उसे बाबा के साथ चढ़ जाते हैं। योगी जी से काफ़ी नाराज़ हैं। खैर, योगी जी की नाराज़गी बीजेपी को हो सकता है उठानी पड़े, इसलिए यहाँ पे काफ़ी कठिन लड़ाई है। अफजाल अंसारी, हमारे कुछ मित्र भी यहाँ मौजूद हैं, हम सब वोट कर चुके हैं, देखिए मेरी उंगली और सब लोग अपनी उंगली दिखाते हुए। साथ ही यहाँ पे लगभग आपको दिख रहा होगा कि भीड़ ना के बराबर है। गांव का क्षेत्र है, सुबह का समय है, बट मैक्सिमम लोग मॉर्निंग में ही, सुबह के समय में ही अपने मत का प्रयोग करके अपने अपने कार्य पे निकल चुके हैं। गांव के लोग हैं, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा कृषि है। लोगों का कहना है कि जिनके अकाउंट में मोदी जी की तरफ से पैसे आए वो मोदी को वोट देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें नहीं मिला इसलिए हम वोट नहीं देंगे। यहाँ पे लोग कुछ पैसों के लिए भी अपना वोट बेच देते हैं। खैर, यह हमारे देश की विडंबना है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको अपना मत प्रयोग करने का अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ पे मैंने जब वोट किया तो मैंने देखा यहाँ पे 14 कैंडिडेट मैदान में हैं, यहाँ पे 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। असली टक्कर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ महागठबंधन के रूप में मैदान में है। साथ ही यहाँ पे बीजेपी का जो बड़ा वोट बैंक है, कुछ वोट यहाँ से छिटक रहे हैं, छड़ी को पड़ रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, मुझे पूरा नाम तो नहीं पता बट सुहेल देव के नाम से उनकी कुछ पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ऐसे करके कुछ नाम है उनका। इनका वोट काफ़ी मैटर करता है। इनके कुछ वोटर हैं जो अभी तक बीजेपी के वोटर होते थे, बट इन्होंने जब से बगावत की है बीजेपी से तब से ये वोट कटते हुए दिख रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। यहाँ पे एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ से कोई सुनिश्चित नहीं कह सकता कि यहाँ पे किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। सब लोग अपने अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं, सब लोग आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे महिलाओं की लाइन लग चुकी है, कुछ लोग फिर से यहाँ पे वोट देने आए हैं। ये गांव है, यहाँ पे काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और अपने हिसाब से लोग वोट करने आते हैं।